हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मिसिज मणि अग्रवाल। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड। इन लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट थ्री डिजिट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बट टूडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज वाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? Don't worry, I will tell you what is expanded form. Answer: expanded form of a number is the sum of the place value of its digit. Expanded form, expanded means होता है किसी भी number को expand कर देना, मतलब फैला देना। And students, expanded मतलब होता है किसी भी number की हर एक digit की place value निकाल कर उसका sum show करना। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि हमने किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उस प्लेस वैल्यू को सेपरेट करना ही उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, लुक हियर स्टूडेंट्स, डिजिट इज 145 बिलो H2O। यहाँ पर थ्री डिजिट नंबर है 145 बिलो HTO। सबसे पहले हम इन तीनों डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे और इनकी प्लेस वैल्यू आती है 1 is 100, 4 की 4 0 40 एंड 5 की 5। स्टूडेंट्स, 1 की प्लेस वैल्यू 100 इसलिए है क्योंकि 1 के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम वहाँ 20 लगा देंगे। एंड 4 के बाद 1 डिजिट है वंस, तो हम वहाँ ओनली 10 लगाएंगे। एंड 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है क्योंकि वह वंस के बिलो में है, तो वहाँ कोई भी जीरो नहीं लगेगी। ओके स्टूडेंट, एंड आफ्टर दैट हम प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालने के बाद प्लस का साइन लगाते हैं। सो स्टूडेंट, लुक हियर फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। लुक एट दिस एग्जांपल, यहाँ 100 के आगे और 40 के आगे एक प्लस का साइन लगा हुआ है। सो स्टूडेंट, हम इसका आगे सम नहीं करेंगे, मीन्स हम केवल इसको एक्सपेंड करके ही लिखेंगे। जैसे कि 100, आफ्टर दैट 4040, आफ्टर दैट 5, लेकिन हम इसको सम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल इसी को इसी फॉर्म में रहने देंगे, तो हम इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एज इट इज रहती है, इसीलिए यह हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल 193। इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 100 एंड 9 इज 10 एंड 3 इज 1। सो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 100 प्लस 90 प्लस 3। ओके स्टूडेंट, क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट, एंड नाउ कम टू द शॉर्ट फॉर्म। सो स्टूडेंट, पहले अभी आपने पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म और अब आप पढ़ोगे शॉर्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, गुड क्वेश्चन। What is short form? Answer: the face value of each digit of number of expanded form is called short form. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। Okay student, हम इसको बोल सकते हैं short form. To write the short form of an expanded number, we write the face value of each digit in the correct place. Okay student. पहले हमने प्लेस वैल्यू निकाली थी एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म को निकालने के लिए हम प्रत्येक डिजिट की फेस वैल्यू निकालकर उसके करेक्ट प्लेस पर रखते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड। अब नाउ कम टू द एग्जांपल। अब एग्जांपल देखिए बच्चों, व्हाट इज द फॉर एग्जाम्पल 100 प्लस 50 प्लस 4। यहाँ एक ये डिजिट की दी गई है। अब हम इट इज़ इन एक्सपेंडेड फॉर्म, या डिजिट किस में है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो स्टूडेंट, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं, तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालने के लिए 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100, तो हम इसको 100 मीन्स एच के नीचे रखते हैं क्योंकि फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो 100 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1, तो हम इसको कहाँ रखेंगे? एच के नीचे। और 5 की प्लेस वैल्यू 5050 है, तो इसे हम 10 के नीचे रखते हैं क्योंकि 50 की 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? अपने आप में 5 ही होगी,
तो हम इसको टेंस के नीचे रखते हैं, और फोर की प्लेस वैल्यू वंस है तो फोर को हम वंस के नीचे, वंस मीन्स ओ, ओ के नीचे रखते हैं, तो एच टी ओ, तो इसके हमारे, इसके नीचे हमारी कौन सी डिजिट है, 1 5 4। ओके स्टूडेंट, देन शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर इज 1 5 4। ओके 154। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का सम सॉल्व करना ही एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म को अगर हम स्प्रेड कर देते हैं तो वो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। तो क्लियर इट, यदि हम एक्सपेंडेड फॉर्म को प्लस करते हैं देन वी फाइंड शॉर्ट फॉर्म। वेरी गुड स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 100 प्लस 9090, इट इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप यहाँ देखेंगे 9090 के बाद में वंस की डिजिट नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इफ यू वी चेंज इट इन शॉर्ट फॉर्म देन वी पुट 1 below H, हम 100 की फेस वैल्यू क्या निकलेगी, 1, तो हम इसको किसके नीचे रखेंगे, H के नीचे, एंड आफ्टर दैट 9090, इसकी फेस वैल्यू है 9, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, टेंस के नीचे, एंड आफ्टर दैट कोई भी डिजिट वंस के नीचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कोई बात नहीं, हम यहाँ करेंगे वंस के नीचे 0 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 0। देन वी फाइंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर 190। क्लियर, सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस को सॉल्व करके भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इसकी फेस वैल्यू को फाइंड करके हम इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्क इन योर मैथमेटिक्स कॉपी।